पंजाब के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने के लिए रेस्क्यू 1122 और पंजाब हुकूमत की जानिब से इस एयर एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया गया है। इस एयर एम्बुलेंस सर्विस में लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं और ये किस तरह से काम करता है, आइए आज आपको दिखाते हैं। मेरे साथ बानी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद हैं। रिजवान साहब, मुझे बताएगा एयर एम्बुलेंस के बारे में, क्या ये सर्विस है, क्या क्या फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? हमने जब पिछले साल का डेटा प्रेजेंट किया उसमें 1540 ऐसे केसेस थे जिसमें 4 घंटे से ज्यादा लगे शदीद जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनको शिफ्टिंग के अंदर। जब हमने देखा कि बहावल नगर जैसा इलाका जहाँ पे दूर दराज इलाके हैं, मियांवाली है, बकर है, वहाँ पे अब कोई स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल नहीं थे, तो फिर वहाँ पे एक एयर एम्बुलेंस का जो है प्रोसेस शुरू किया। हमने इंटरनेशनल गाइडलाइन देखी जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 100 मील से ज़्यादा का जब डिस्टेंस हो तो वहाँ पे ऐसा एरोप्लेन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएगा कि कितने शहरों में अभी तक आपने जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है इसको स्टार्ट किया है? इस वक्त जो हमारा टारगेट है, जो हमें अप्रूवल है, वो है एक नॉर्थ पंजाब और साउथ पंजाब के लिए है, और एक बार ये करने के बाद फिर हम इसका पूरा एक इसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं। मुझे बताएगा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस में आप लोग जो है वो किस नौयत के मरीजों को केटर करेंगे? ये क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, इसके लिए बकायदा एयर डिस्पैच का क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइज किया गया जिसके अंदर हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं, मल्टीपल पॉलीट्रॉमा जिसके फ्रैक्चर्स हैं और बहुत सारी चोटें लगी हैं, सीरियस हार्ट पेशेंट्स हैं, इस किस्म के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो उसके अंदर दी गई हैं जिनको प्रायोरिटाइज किया गया। अगर किसी को एयर एम्बुलेंस सर्विस चाहिए तो वो रेस्क्यू 1122 से किस तरीके से कॉन्टैक्ट करेगा कि उसे एयर एम्बुलेंस सर्विस मुहैया हो जाए? हमने MS जो है हॉस्पिटल उनको बता दिया, जैसे ही कंसल्टेंट MS से कहेगा वो फौरन हमारे ज़िले इमरजेंसी ऑफिसर को बता देंगे। ये तरीक़ाकार भी वज़ा कर दिया गया है, वो फौरन एयर डिस्पैच सेंटर को इन्फॉर्म करेगा और वहाँ से एयर डिस्पैच के लिए जो हमारा डिस्पैच ऑर्डर है वो इशू हो जाएगा। और मुझे बताएगा कि एयर एम्बुलेंस में जो है वो आपने क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की है, इसके अंदर क्या क्या जो है वो मेडिकल का जो सामान है वो आपने दिया हुआ है? तो ये हमारे आप देख सकते हैं कि ये 2 पायलट्स होंगे, उसके पीछे हमारा एक डॉक्टर बैठा होगा, उसके साथ हमारा एक उनका अटेंडेंट होगा और उसके अंदर 7 पेशेंट होगा। कि इसमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर मौजूद है, AED मौजूद है और इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। आइए, सो ये क्रिटिकल पेशेंट है जिसको जो है आपने उसको अब वेंटिलेटर के ऊपर है, किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है और उसको साथ नेक इंजरी, स्पाइनल इंजरी है, साथ पॉलीट्रॉमा पेशेंट है जिसको फ्रैक्चर भी है, तो उसको किस तरीके से उसको शिफ्ट करना है, ये आप स्पाइन बोर्ड के ऊपर बकायदा और ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर के ऊपर ये शिफ्ट कर रहे हैं और ये टीम आपको शिफ्ट करके दिखाएगी। ये अब ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर पे उन्होंने शिफ्ट किया, अब ये पेशेंट को अंदर एंट्री कर रहे हैं और यहीं पे आपका ये जो है वेंटिलेटर भी और उसके साथ ही ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिस्चार्ज और जिसके ऊपर हम शिफ्ट कर रहे हैं ये हमारा जो है वो स्पाइन बोर्ड है जिसके ऊपर पेशेंट शिफ्ट कर दिया गया। और मुझे बताएगा कि इस वक्त रेस्क्यू के पास जो है वो कितने एयर एम्बुलेंस मौजूद हैं? हमारे पास इस वक्त 3 जहाज मौजूद हैं, 2 एट ऑल टाइम रनिंग में होंगे और तीसरा अगर कोई मेंटेनेंस पे एक अगर जहाज जाता भी है तो तीसरा भी उसको बैकअप देने के लिए तैयार होगा, तो हम 3 जहाजों के साथ आ रहे हैं। और मुझे बताएगा कि इसका बकायदा इफ्तिताह कब होगा? हमने इसके टेस्ट रन शुरू कर दिए हुए हैं। ये जो चंद जो एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था एविएशन इंडस्ट्री को, उसकी वजह से जो हमें इस वक्त मुश्किलात आई, कुछ जगहों के ऊपर रनवेज को वापस फंक्शनल करना था, दूसरी चीज़ें, वो भी तकरीबन काम मुकम्मल हो चुके हैं। मोटरवे पे भी चूंकि हम अब सर्विस शुरू करने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मोटरवे पे भी अगर कहीं पे भी दूर दराज साउथ में या कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से भी हम इंशाल्लाह मरीजों को उठा रहे होंगे। जैसे कि आपने बताया कि आप मोटरवे पे भी जो है वो सर्विस काम कर रहे हैं, तो ये वाला जो इनिशिएटिव है वो कब से आप लोग लेंगे? जी इंशाल्लाह हमारा एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी 1.5 महीने के अंदर हम इंशाल्लाह मोटरवे के ऊपर हम एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर देंगे। तो ये आप देख सकती हैं, ये ट्रेनिंग हमारा सिमुलेटर है और इसी तरह से जहाज का हमारा कॉकपिट होता है और इसी तरह से हम पेशेंट को लेके जाते हैं और जो सफ़र घंटे लगने होते हैं 4-5 घंटे, वो हम आधे घंटे के अंदर उसको पेशेंट को स्पेशलाइज हेल्थ केयर फैसिलिटी में डॉक्टर के समेत वहाँ पे पहुँचा दें। और साथ हम देख सकते हैं कि पीछे जो है वो स्ट्रेचर के लिए भी जगह उन्होंने बनाई हुई है, साथ 2 अटेंडेंट्स के लिए भी है, 1 डॉक्टर के लिए भी है, टोटल जहाज में जो है वो 4 लोग आ सकते हैं।